हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल स्टडी कैसे करें। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज मैं पढ़ने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करूँगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही होते हैं। चलिए इसका आईडी देख लेते हैं। बी वन प्लस ता है, ती है, ते हैं। इसके स्ट्रक्चर में बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, कहाँ पे भी वन और भी फाइव लगेगा ये भी पहले मैं आपको बता देती हूँ। ही सी इट नेम एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ भी फाइव लगता है, एंड भी वन आई वी यू दे के साथ भी वन लगता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। वह यहाँ आता है, ही कम्स हेयर। मैंने अभी आपको बताया ही के साथ भी फाइव लगता है, मतलब कम्स। चलिए इसके छह स्ट्रक्चर आप बना लेना। मैं पहले आपको बता देती हूँ। ही डज़ नॉट कम हेयर, ये नेगेटिव हो गई। पहले मैंने आपको अफर्मेटिव बताया, अब ये दूसरी नेगेटिव है। तीसरी इंट्रोगेटिव, डज ही नॉट कम हेयर। अब इंट्रोगेटिव देख लीजिए, डज ही नॉट कम हेयर। एंड डब्ल्यू एच अफर्मेटिव, वाई डज ही नॉट कम हेयर। एंड डब्ल्यू एच निगेटिव देख लीजिए, वाई डज ही नॉट कम हेयर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको भी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फ्रेंड्स, क्या डिफरेंस होती है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आईडी देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की। नॉन एन एडजेक्टिव है या होता है। नोट, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें वर्ब नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वर्ब नहीं होता है। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉन या एडजेक्टिव। अब एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ। आकाश नीला होता है, द स्काई इज़ ब्लू। अब इसके एक निगेटिव बना ले, द स्काई इज़ नॉट ब्लू। अभी मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में छः सेंटेंस बना कर दिखाया, उसी तरह आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी बना लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दो नामों से और जानते हैं फ्रेंड्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ये तीनों नाम आप याद रखोगे, ये लेटेस्ट है फ्रेंड्स, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके आईडी देख लेते हैं। भर प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। इसके एग्जांपल बना लेती हूँ। वह एक कहानी लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी। वह एक कहानी लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी। अब इसके नेगेटिव बना देती हूँ, ही इज़ नॉट राइटिंग ए स्टोरी। अब इसके भी इंट्रोगेटिव बता देती हूँ। इज़ ही राइटिंग ए स्टोरी, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इज़ ही नॉट राइटिंग ए स्टोरी, वाई इज़ ही राइटिंग ए स्टोरी, वाई इज़ नॉट ही राइटिंग ए स्टोरी। ये छह स्ट्रक्चर मैंने आपको फिर से बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। आप कुछ एग्जांपल भी इससे लेकर बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट को भी एक नामों से और जाना जाता है, प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव। चलिए इसके आईडी देख लेते हैं। आईडीज़ के तीन हैं फ्रेंड्स, तीनों पे मैं एक एक एग्जांपल आपको बताने वाली हूँ। चलिए पहले फर्स्ट आईडी देख लेते हैं। भर प्लस या है, यी है, ये है। दूसरी आईडी देख लेते हैं। भर प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं। एंड तीसरी आईडी है भर प्लस आकार है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले मैं हैज़ हैव की यूज़ बता देती हूँ आपको अच्छी तरह से। हैज़ कहाँ पर लगाते हैं फ्रेंड्स, ही सी इट एंड नेम में हैज़ लगाते हैं। एंड हैव की बात करें तो आई वी यू दे में हैव लगाते हैं। ये आपकी क्लियर हो गई कहाँ पे कौन क्या लगता है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटेंस बनाओ उसमें कहीं पे भी क्या लगाना आपको अच्छे से पता होगा। अब चलिए इसके एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। तीनों पे एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको, तीनों आईडी पे। पहला देखते हैं, उसने आपको निमंत्रण दिया, ये फर्स्ट आईडी पे है फ्रेंड। ही इज़ इन्वाइटेड यू, इन्वाइटेड वर्ब थ्री है तो इन्वाइटेड लगेगा। ही के साथ मैंने अभी बताया आपको हैज़ लगेगा। ही इज़ इन्वाइटेड यू। दूसरी एग्जांपल देख लीजिए, वह चाय पी चुका है, ये दूसरे आईडी पे। ही हैज़ टेकन टी।
एंड तीसरे एग्जांपल पे देख लीजिए, उसने जीरो देखा है, ही हैज़ वॉच द जीरो, वॉच्ड द जीरो। अब चलिए फोर्थ बता देती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी एक नामों से और जाना जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसकी आईडी बता देती हूँ, भर प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर भर प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये विद टाइम रहेगा, विदाउट टाइम नहीं, विद द टाइम। अब देखिए आगे बताती हूँ इसके एग्जांपल। सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये प्लस सिंस और फोर। अब ये सिंस और फोर कहाँ पे लगेगा? सिंस और फोर दोनों का मीन्स से ही होता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसे पूरा डिटेल्स आपको अभी नहीं बता पाऊँगी। ये जिस टाइम, जो टाइम फिक्स होती है उसमें सिंस लगाते हैं, और जो टाइम फिक्स नहीं होती है सिर्फ काउंटिंग होती है, जैसे दो तीन, दो दिन से, चार दिन से, दो घंटे से, तीन घंटे से, उसमें फोर लगाते हैं। इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी दोनों की, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे मैं जल्दी बना दूँगी एक वीडियो। चलिए अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह सुबह से पढ़ रहा है, He has been reading since morning। इसमें सिंस क्यों लगा? क्योंकि ये फिक्स है, सुबह से पढ़ रहा है, सिंस मॉर्निंग। एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, वह दो घंटे से नाच रही है, she has been dancing फॉर टू आवर्स। अब देखिए इसमें फोर टू आवर्स लगा, मैंने आपको भी बताया कि काउंटिंग जहाँ पे होती है एक दो तीन, वहाँ पे फोर लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको आज पूरे प्रेजेंट टेंस को पूरा क्लियर कर दिया है। आप आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल अब बता देती हूँ। राधा दो घंटे से नाच रही है, ये पहला बताया मैंने। अब दूसरा, मैंने उसे नहीं मारा है, सीता मुझे कहाँ पसंद करती है, क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सारे एग्जांपल्स कैप्चर्ड सेंटेंस बनाओ फ्रेंड्स। एक तो मैंने सेम बता दिया जो मैंने अभी बताया है, कोई बात नहीं, आप उस पर दूसरे एग्जांपल एक बना लेना, और ये सारे छः एग्जांपल बनाकर मुझे कमेंट करें, मैं आपको चेक करके बताऊँगी कि आपने सही बनाया या नहीं। ओके फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं पास्ट टेंस के बारे में बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।